या 1500 का इंतजार है? नहीं, 1000 का था इंतजार, लेकिन बेचा भी थोड़ा, उसमें 200 इस टाइम है किसान कोल्ड स्टोरेज ठठिया कन्नौज में। और हमारे साथ सम्मानित व्यापारी महोदय, मैनेजर साहब और अन्नदाता भी हैं। आइए चर्चा करते हैं। आलू की बड़ा असमंजस स्थिति बनी हुई है कि आलू का आप क्या होगा, क्या रेट बढ़ेगा या ऐसी स्थिति बने रहेगी। मंडियों के जाम देखते हुए क्या आने वाले समय में आलू कुछ बढ़ेगा या घटेगा, क्योंकि अगेती फसल इस साल कम नजर आ रही है। सबसे पहले अन्नदाता से बात करते हैं। भैया, नाम आपका? राजू पाठक। पाठक जी, बताइए क्या स्थिति है इस टाइम, जबकि आज 15 नवंबर हो गया। स्थिति का है वो 10-15 दिन बाद है ये आलू मंडी में। यहाँ नया वाला? नया वाला। पुराना वाला बिकेगा कि फिकेगा? पुराना वाला धीरे धीरे बिछड़े हो है आलू, आराम से जो है बिक जाई है। फिकीवे की स्थिति ज्यादा ना ही है, ठहर रखना चाहिए, बिक जाएगा। अब किसान घबराई भी नहीं चाहिए, बिल्कुल है। अब स्थिति जो इससे किसान और घबराई को जो नहीं, आलू मारो वारो को दबाव आ गया, बहुत मारा गया, कम से कम 8-10 हजार। हम तो सर बहुत विजिट किया, हर क्षेत्र में गए, 8-10 हजार बीघा लगभग। यो किसान साथ में यहाँ गलत थोड़ो भाव है, जो आलू मारो को दबाव आ रे, और कुल मिलाए के वो 10-15 दिन में स्थिति आ जाए। हाँ, तो स्थिति आ जाएगी लाइन पर। अब मैनेजर साहब से निकासी की चर्चा करेंगे। सर, निकासी के विषय में थोड़ा बताइए। निकासी अब हमारे यहाँ पे लगभग कंप्लीट हो गई है। जो कुछ भी थोड़ा बहुत बैलेंस रह गया है वो व्यापारियों का है और कुछ किसानों का भी है, जिसमें कुछ बीजा भी शामिल है। ये है कि धीमे धीमे करके निकल जाएगा, अभी टाइम है, खैर 10-15 दिन 20 दिन का तो टाइम है ही। अभी आलू में जो आलू है कितने परसेंट बचा है? लगभग 10% है बचा हुआ है। 10% में बीजा कितना होगा? बीजा 1-2% है, बीजा नहीं हमारे यहाँ पे। बीजा 1-2% यानी कि लगभग 8% छट्टा है, और छट्टा की पोजीशन बनती हुई नजर आ रही है। हाँ, आगे के लिए थोड़ा सा समय अभी है, कच्ची के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा स्थिति ठीक रहेगी। कोई बात, निकल जाएगा, फिकेगा नहीं। निकल जाएगा, फिकेगा नहीं, इससे निश्चिंत रहिए। भैया सुमना हरमोहन सिंह, आप बताइए क्या स्थिति, बिकेगा नहीं? आलू तो बिक जाइए, बिक जाएगा, ये अच्छी बात है। कोई मिले मगर बिक जाएगा। व्यापारी महोदय पूरी डिटेल बताएंगे क्या स्थिति है आज की और क्या स्थिति रहेगी। शुभ नाम बताइए सर। अजय कटियार। कटियार जी, बताइए क्या स्थिति है आज की तारीख? आज की तारीख में छट्टा तो बिक जाएगा, बीजा फीकेगा। सही बात है आपकी। छट्टा क्या रेट है भाई? छट्टा हालैंड बिक रहा 4 से 4.5, और सिंदूरी गुलाल उलाल 2.5 से 300 रुपए। तो कह सुने भाड़ा ही सीधा हो रहा है, और बीजम तो भाड़ा भी नहीं है। लेकिन आलू को बेचते रहना चाहिए, ये मतलब हाँ, ये हर बार का आलू को बेचते रहना चाहिए। और उसका नतीजा ये है कि आज जैसा कि मैनेजर साहब ने बताया, किसानों का आलू बहुत कम है, व्यापारियों को शायद मौका नहीं मिला। इसमें 8000 पैकेट होगा, इसमें 6000 पैकेट किसानों का, व्यापारियों का, और उसका कारण रहा मौका नहीं काटने। आज अगर ये 10000 पैकेट यहाँ जो भी है, उसका कारण यही है कि मौका, कारण जो है वो निकासी नहीं टाइम से मिल पाए। जी जी, मैनेजर साहब कह रहे कोई नहीं, किसान कोल्ड में कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, किसान कोल्ड खैर बढ़ाई कर रहे हैं, किसान कोल्ड में हमारे यहाँ पे तो जिस दिन लगाया उसी दिन हुआ, और बाकी तो हमारे व्यापारी लोग खुद ही समझ रहे हैं कि अगर तुरंत लगाया है तो उसकी 2 घंटे के अंदर निकासी भी हुई। ये आपका शुभ नाम भैया? मोहम्मद इसरार। आप भी थोड़ा प्रकाश डालिए कि आप हिसाब से पिके। अभी अच्छा रेट बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? बढ़ेंगे नहीं, बिक ही जाए बस, ये है बिक जाए। हाँ, छट्टा ही है, बिक जाए बस। क्या 1500 का इंतजार है? नहीं, 1000 का था इंतजार, लेकिन बेचा भी थोड़ा, उसमें 200 से कट्टी, लेकिन नहीं बिक पाया पूरा 1000। अभी भी 1500 का इंतजार है, 15 लोग कह रहे हैं अगेती फसल है। अभी ये है कि बिक जाए बस। 30 टन की गाड़ी है हमारे पास में अभी हाईलैंड रखी, लेकिन मतलब धैर्य रखिए, बिक जाएगा बस, भले वो 1000 रुपए। अब क्या करें, संतोष तो करना ही पड़ेगा। संतोष तो करना पड़ेगा, आलू का ये नियम है कि बिके। आप पंडित जी बताओ कि क्या स्थिति बनने वाली? बिक तो रहो, ये बिको तो ना ही, छट्टा बिक रहो, छट्टा बिक रहो। 30 नवंबर के बाद 1500 का बिकेगा? अरे जा तो नहीं कह सकत भाई, लेकिन बिक जाएगा, ये सही है। हाँ, जो बिचरो तो बिचरो, छट्टा बिचरो, हालैंड हालैंड अच्छे आलू, अच्छे आलू।
तो कुल मिला के अच्छे आलू बिक रहे हैं और भैया लोग बड़ा अनुभवी हैं। इन लोगों ने जो अपडेट बताई वो हमने बताने का प्रयास किया और हम कभी नहीं ये कहते हैं कि आलू रोकिए, हमारा कहने का मतलब यही रहता है बेचते रहना चाहिए, हो सकता है आगे 1500 का बिक जाए, वो बाद की बात है।